एवरीवन नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकंड ईयर किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है, कंफ्यूज ना हो। तो राजनीतिक विचारक वाले इस विषय में दोस्तों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर। और राम मनोहर लोहिया, आप इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे डॉक्टर लोहिया। तो डॉक्टर लोहिया के सामाजिक विचारों पर आज हम कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। उनके सामाजिक विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस किस प्रकार के सामाजिक विचार इन्होंने समाज की उन्नति के लिए प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन में, शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर कोई दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करना चाहता है और उन्हें हमारे सेशन पसंद आते हैं, हमारे द्वारा एक्सप्लेन किए जा रहे सभी सब्जेक्ट अगर पसंद आ रहे हैं, तो वो हमें एक बार वहां पर भी फॉलो, प्रज्ञान हिंदी जी के चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। सभी विषय वहां पर हमारे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। लगभग 10 विषय जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को दोस्तों मेरे द्वारा ही वहां पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके सभी विषयों को या सभी कंसेप्टों को अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूं, तो जरूर मुझे वहां पर भी जाकर फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे अपने आज के टॉपिक की। और आप सभी को पता है दोस्तों कि यूनिट 5 में टॉपिक नंबर थर्ड चल रहा है, टॉपिक नंबर थर्ड चल रहा है, जिसमें हम राम मनोहर लोहिया जी के सामाजिक दृष्टिकोण पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद में हमारे सेशन का, हमारे सिलेबस में एक लास्ट दार्शनिक बचेंगे जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और जो अन्य इस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है, जैसे कुछ स्टूडेंट है हमारे उत्तर प्रदेश से और कुछ स्टूडेंट है हमारे राजस्थान से, तो उन सभी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में इन दार्शनिकों के अलावा और भी दार्शनिक दिए गए हैं, तो वो दोस्तों परेशान ना हो, उन दार्शनिकों को भी हम इसी सिलेबस में कवर करेंगे। लगभग 8 दार्शनिकों के हमने नंबर नाम निकाले हैं, उन पर भी हमारा सेशन अभी कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है ना। कम से कम 15 क्लासेस अभी इस पर और आनी बाकी है, और आनी बाकी है इसमें। दरअसल होता क्या कि अभी जो हमने, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तक का जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया है, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जिन यूनिवर्सिटियों में ये सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ अलग से दार्शनिक दिए गए हैं, तो उन पर भी हमारा अध्ययन होगा, पूरा विस्तार पूर्वक होगा। डोंट वरी, निश्चिंत बने रहें, ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक आप पूरे दार्शनिक को हम कवर नहीं कर लेंगे, ये सेशन बीच में रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सारांश है, जरा उसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर लोहिया के जो सामाजिक विचार है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसके अंतर्गत हम 2 बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जाति प्रथा के ये घोर विरोधी थे दोस्तों, जाति प्रथा के। दूसरी बात, उन्होंने स्त्री स्त्री मुक्ति का भी प्रयास किया है, उनके लिए भी काफी अथक प्रयास किया है। तो दोनों पॉइंटों को एक एक करके दोस्तों यह समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में ही बता दूं, छोटा सा सेशन होने वाला है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, कुछ ज्यादा इसमें डिटेल नहीं मिलेगी। कुछ सामान्य तथ्य है जिनको आप जान लेंगे दोस्तों, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। और चूंकि सभी दार्शनिकों के बारे में जब आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, तो दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक ये बड़ा रूप ले लेता है और आप एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हो। जैसे कार्ल मार्क्स में क्या डिफरेंस, कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा थी, गांधी जी की क्या विचारधारा थी, वही मनु कौटिल्य की क्या विचारधारा थी। इस प्रकार से दोस्तों हम इनके बीच में डिफरेंस अर्थात अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं, और उसी अंतर को हम बोलते हैं कि हम टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त बीए के बाद में जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से एनालाइज करना सीख ले, क्योंकि एनालाइज ही पूरी स्ट्रेटजी होती है यूपीएससी की, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक को एनालाइज करना आता है, तो ही आप यूपीएससी की फील्ड में कदम जब रखें, अन्यथा दोस्तों आपको बार बार उसमें असफलता ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा आपको लोगों को ले लेकर आई जाती है आप लोगों के लिए, वो सब की सब इसी प्रकार से एक विस्तार के साथ में लाई जाती है। चाहे कंसेप्ट छोटा ही क्यों ना हो, टॉपिक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में हम किसी भी पक्ष को छोड़ते नहीं है। 360 डिग्री एंगल के अनुसार आपके सामने पूरा का पूरा डाटा परोस दिया जाता है,
ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्लाइड को पढ़ते हुए इसको व्यवहारिक रूप से समझते हुए चलेंगे, जिससे अनावश्यक रूप से हमारा जो लेक्चर है वो ज्यादा लंबा ना खींचे, ठीक है। डॉक्टर लोहिया एक प्रखर सामाजिक चिंतक थे। सामान्य शब्दों में देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात की जो किताबी भाषा है उसका व्यवहारिक जो पक्ष होता है ना वो समझ आना चाहिए। अगर वो समझ आ रहा है तो दुनिया की कोई सी भी किताब जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको पढ़ के और समझने में, ठीक है। अब जैसे देखिए ये लाइन क्या लिखी हुई है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रखर सामाजिक चिंतक थे। तो अब आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए इस लाइन को पढ़ते ही कि ये एक सामाजिक विचारक थे, एक सामाजिक विचारक थे सामान्य शब्दों में, ठीक है ना। अब कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, इनका जो विशेष पहचान है वो पहचान क्या है जरा समझिए, ये कार्ल मार्क्स और गांधी जी। देखिए अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स और गांधी जी, अब कार्ल मार्क्स के विचार कुछ अलग थे, वही गांधी जी के विचार अलग थे। कार्ल मार्क्स धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते अपने सिद्धांतों में, जबकि गांधी जी धर्म को आवश्यक मानते थे। कार्ल मार्क्स ने नैतिक कारणों पर भी कोई विशेष बात नहीं की है, नैतिकता को भी उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया अपने सिद्धांतों में, लेकिन गांधी जी धर्म और नैतिकता दोनों को सबसे ज्यादा आवश्यक मानते थे किसी भी राज्य के लिए, समझ रहे ना। तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी, आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक नए समाजवाद की स्थापना करने की ओर आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर लोहिया ने क्या किया, डॉक्टर लोहिया दोस्तों कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित थे और गांधी जी से भी प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कहा कि गांधी जी से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन गांधी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन विचारों का संकलन के द्वारा जो गांधीवाद बना है वो गांधीवाद अपने आप में अधूरा है। क्या है, अधूरा है, ये किसका कहना है, डॉक्टर लोहिया का, गांधीवाद अधूरा है। वही कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो एकांकी है, एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और जब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही विशेष वर्ग के हित की बात करते हैं, और वो वर्ग कौन सा है, श्रमिक वर्ग है, तो सिर्फ श्रमिक वर्ग के हित की बात करते हैं, ना कि किसी पूरे संपूर्ण समाज की ना संपूर्ण देश की, इस कारण से वो एकांकी है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, डॉक्टर लोहिया की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ही अधूरे, ठीक है। तो डॉक्टर लोहिया के सामाजिक विचारों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, और वो बिंदु बहुत थोड़े से बिंदु है, जरा आइए समझ लेते हैं उनको स्लाइड के माध्यम से पढ़ते हुए, जाति प्रथा के विरोधी। तो जरा समझिए, पेन लेते हैं दोस्तों, ओके। डॉक्टर लोहिया जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि भारतीय सामाजिक स्थितियों में सुधार पर विचार हो तो सबसे पहले जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास होना चाहिए। तो डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा कि अगर भारत में किसी सुधार की बात हो ना, कि भारत में जितनी स्थितियां बिगड़ी हुई पड़ी हुई है उन सभी स्थितियों में अगर सबसे पहले कोई सुधार की बात होती है तो जाति प्रथा में सुधार की बात होना चाहिए सबसे पहले। अर्थात ये कि भारत में सुधार की जो प्रक्रिया है वो जाति प्रथा से शुरू होना चाहिए, अर्थात ये जाति प्रथा की जो ये जड़ें हैं ना भारतीय समाज में बहुत गहराई तक समा चुकी है, तो उन जड़ों को समाप्त करने की आवश्यकता है, उन जड़ों को खत्म करने की आवश्यकता है, उनको रूट आउट, जाति प्रथा की जो प्रथा है जो रूढ़ियां हैं उनको रूट आउट करने की जरूरत है, अर्थात की जड़ों से खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये प्रथाएं जो ये प्रचलन है ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है, भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पुरानी जड़ें समाई हुई है, तो इतनी आसानी से इतने कम समय में इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे कुछ वर्षों में समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रथा को समाप्त करने के संबंध में अब तक उन्होंने साथ में क्या कहा कि देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, कि अब तक इस संबंध में जितने भी सिद्धांत सामने आए हैं वे सभी एक प्रकार की जाति को समाप्त करके दूसरे प्रकार की जाति में लोगों को उसने डाला है। एक जाति से तो निकाल दिया उन सिद्धांतों ने, लेकिन दूसरे प्रकार की जाति में उनको शामिल कर दिया, दूसरी प्रकार की जाति में उनको शामिल कर दिया, सिर्फ गांधी जी के विचारों को छोड़कर। गांधी जी ने जो विचार प्रस्तुत किए थे जातिवाद के विरोध में
वो एकांकी थे, मतलब कि एक तरफा ही थे। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, उन्होंने कोई नई जाति का आविष्कार नहीं किया। बाकी जितने भी विचारक रहे हैं, जिन्होंने भी जातिवाद पर प्रहार किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी जाति बना दी। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों आए थे? हिंदू धर्म में जो बुराइयां समाई थी, तो हिंदू धर्म से ही वो निकल करके बौद्ध और जैन धर्म में आए थे। उनका जन्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदू धर्म से हुआ। तो उनके आने का कारण क्या था कि हिंदू धर्म में जो परंपराएं चल रही थी उस समय, जो रूढ़ियां पनप रही थी, वो जो वर्ग समाज ही विभिन्न भागों में बट रहा था, उस समाज के एकीकरण के लिए ही ये एक नए धर्म के रूप में इनका जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़ियों से तो समाज को छुटकारा दिला दिया था, लेकिन एक नए समाज की स्थापना कर दी, जिसे बौद्ध समाज कहा गया, जिसे जैन समाज कहा गया, है ना। तो यहीं पर डॉक्टर लोहिया का यही कहना है कि रूढ़ियों के खिलाफ, अर्थात कि सामाजिक कट्टरता के खिलाफ जितने भी आंदोलन चले, जितने सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों ने एक समाज से तो छुटकारा दिला दिया, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों ने दूसरे समाज में उसको डाल दिया। सिर्फ गांधी जी के विचारों को छोड़ करके, गांधी जी के जो विचार थे वो एक तरफा थे, सिर्फ समाज को समाप्त, समाज के जो वर्ग थे उनको समाप्त करने की ही बात की गांधी जी ने। ठीक है, तो उनके संबंध में कुछ सुझाव उन्होंने दिए थे, और वो सुझाव कुछ इस प्रकार थे। जरा आइए देखते हैं कौन कौन सुझाव थे। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा, जातिवाद को, जाति को खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ 3 से 4 पक्ष रखे हैं जातिवाद के विरोध में। उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा पर, एक बार व्यवहारिक पक्ष समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा कि जाति प्रथा पर अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वो डेढ़ मुखी प्रयास हुए हैं, अर्थात कि पूरे प्रयास नहीं हुए हैं। देखिए, धार्मिक रूप से तो पूरा प्रयास हुआ था, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, तो धार्मिक रूप से तो पूरा प्रयास हुआ, लेकिन सामाजिक रूप से पूरा प्रयास नहीं हो पाया। तो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशासकीय रूप से, तो 4 प्रकार से प्रहार होना चाहिए जातिवाद पर। अगर जातिवाद पर हम 4 प्रकार से प्रहार करते हैं, अर्थात चारों ओर से प्रहार करते हैं, तो जातिवाद की जो व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये समाप्त होने लग जाएगी। लेकिन चारों तरफ से प्रहार होना चाहिए, तो चारों तरफ से 4 कौन-कौन स्तर बताया उन्होंने? उन्होंने बताया आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए, धार्मिक रूप से भी होना चाहिए, और शासन की, अर्थात उसको कहा प्रशासकीय रूप से भी होना चाहिए। तो धार्मिक रूप से तो अब तक प्रहार हुआ है जातिवाद पर, लेकिन जो सामाजिक रूप से प्रहार हुआ है वो आधा हुआ है। आधा कैसे? कि रोटी और बेटी का जो लेन देन है उसमें सिर्फ रोटी का प्रचलन चालू हुआ है, अभी तक बेटी का नहीं हुआ। मतलब कि एक दूसरी समाज में विवाह करने का जो प्रचलन है वो चालू नहीं हो पाया है। विभिन्न समाजों ने आपस में जो रोटी वाला व्यवहार है वो तो करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बेटी लेने और देने का व्यवहार अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। तो इसको भी प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि समाज जातिवाद की जड़ें जो है अपने मूल स्थान से उखड़ना प्रारंभ हो जाएगी, हिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए एक बार स्लाइड को पढ़ते हैं। जाति प्रथा पर हजारों वर्षों से लगातार हमले होते रहे हैं, हजारों वर्षों से, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कारण ये है कि अब तक जाति प्रथा पर केवल 1.5 मुखी हमले हुए। कैसे हमले हुए दोस्तों? 1.5 मुखी हमले हुए। कैसे 1.5 मुखी हमले हुए? 1.5 मुखी में क्या, एक तो धार्मिक, कंप्लीट धार्मिक हमला हुआ है, दूसरा जो सामाजिक हुआ है वो आधा हुआ है। सामाजिक हमला संपूर्ण हो इसके लिए क्या करना चाहिए? रोटी और बेटी, देखिए जरा, रोटी के साथ साथ बेटी वाले मोर्चे पर भी हमला होना चाहिए, रोटी के साथ साथ बेटी वाले मोर्चे पर भी हमला होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमला अभी तक हुआ नहीं है और होना चाहिए अगर हम जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो उन्होंने तीसरा प्रहार बताया है, देखिए धार्मिक और सामाजिक हो गया ना, अब तीसरा जो प्रहार इन्होंने बताया वो बताया है धार्मिक है, सॉरी माफ करना, उन्होंने बताया प्रशासकीय हमला। जो धार्मिक और सामाजिक हमले के साथ साथ तीसरा जो हमला होना चाहिए वो राजकीय हमला होना चाहिए, प्रशासकीय हमला होना चाहिए। प्रशासकीय के राजकीय हमले के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार,
जब वयस्क मताधिकार होगा तो समाज में सभी जानते हैं कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है भारतीय समाज में। तो जब भारतीय समाज में बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो वोट भी बहुत ज्यादा होंगे ना, वो जब वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलेगा जनता को तो उनका महत्व अन्य लोग भी समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसी कारण से पिछड़ी और दलित जातियों के विकास के लिए या उनके अवसरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोहिया, डॉक्टर लोहिया इस संबंध में सभी जातियों के लिए समान अवसर की बात करते हैं। वे निचली जाति के लोगों के विकास के लिए विशेष अवसर देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि जो जातियां पिछड़ी हुई है उनका विकास स्पीड से किया जाए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके उनका विकास किया जाए। और इसी प्रकार से डॉक्टर लोहिया ने जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। उन्होंने 5 वर्गों को पिछड़ी जाति के रूप में संबोधित किया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने पिछड़ी जातियों में रखा है सबसे पहले महिलाओं को, उसके बाद शूद्र को, शूद्र तथा हरिजन को, इसके बाद में उन्होंने मुसलमान और आदिवासी, इन लोगों को जो है इन्होंने सबसे पहले अपने आदिवासी कैटेगरी में रखा है, ठीक है, माफ करना, पिछड़ी हुई जातियों कैटेगरी में रखा है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में इन्होंने जो चौथा हमला किए करने का कहा है जाति प्रथा पर, वो कहा है आर्थिक हमला, आर्थिक हमला, आर्थिक मोर्चे पर भी हमला होना चाहिए। इसके अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो उनके जब लाइफ स्टाइल में सुधार होगा तो अपने आप ही वो सामाजिक रूप से अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। और जब स्वयं का विकास करेंगे तो वो एक मानव संसाधन के रूप में उभर कर सामने आएंगे जो कि एक देश की राष्ट्रीय इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो अलाव कर, इस देखिए मजदूरी बढ़ाई जाए, इसके अलावा अलाव कर जोतों से लगान खत्म किया जाए। अलाव कर जोते क्या होती है, वो कृषि जोते जिसमें कृषि करना फायदे का सौदा नहीं होता है, मतलब किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होता है, ऐसी जोतों से, ऐसी कृषि व्यवस्था से लगान खत्म किया जाए, ऐसी व्यवस्था से लगान खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा जमीन पर जोतने वाले का ही अधिकार होना चाहिए कि जो जमीन को जोत रहा है, जो खेती कर रहा है वास्तविक रूप से, जमीन पर भी उसी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो पा रहा दोस्तों। इस सब के अलावा उनका मानना था कि निचली जातियों के लोगों की संख्या समाज में अधिक है, उनकी राजनीति में भी अधिक से अधिक भागीदारी होना चाहिए। साथ ही जातियों के संगठनों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, जाति संगठन जो होते हैं उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए अपनी जाति की ओर से, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं डॉक्टर लोहिया ने जातीय राजनीति को बढ़ावा दिया है, किसको, जाति राजनीति को बढ़ावा दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके सेकंड पक्ष पर हम बात कर ले, या दूसरे पक्ष पर बात कर ले, स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं ये डॉक्टर लोहिया, स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं, स्त्री मुक्ति के, तो एक एक करके इनको भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों। लोहिया स्त्री मुक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं, उनका कहना है कि भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो जिसने कभी भी किसी पुरुष से दिमागी हार नहीं मानी। तो डॉक्टर लोहिया का कहना ये है कि भारत की जो स्त्री है वो बिल्कुल द्रौपदी की तरह होना चाहिए जिसने मानसिक रूप से कभी किसी पुरुष के सामने हार नहीं मानी। जैसे द्रौपदी ने मानसिक रूप से हार नहीं मानी, उसी प्रकार से भारतीय प्रत्येक महिला को भी इसी प्रकार शक्तिशाली होना चाहिए। आज इस भारतीय समाज में स्त्रियों को, आज भारतीय, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, लोहिया, डॉक्टर लोहिया के समय की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि आज के भारतीय समाज में महिलाओं को एक गठरी के समान समझा जाता है, अर्थात एक बोझ के समान समझा जाता है, जैसे कि एक पुरुष पर स्त्री का बोझ लाद दिया जाता है। लेकिन लेकिन स्त्री को अब इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा या इतनी शक्तिशाली होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो अपने पति का भी बोझ उठा सके, अपने परिवार का भी बोझ उठा सके, बल्कि वो एक बोझ के रूप में ना जी करके वो परिवार का बोझ अपने सर पर उठाकर चल सके, इतना शक्तिशाली होने की आवश्यकता है नारी को, ठीक है। तो लोहिया के संबंध में कुछ व्यक्तियों का विचार हालांकि नेगेटिव रूप में ये रहा है, नेगेटिव रूप में रहा है,
कि उनकी शादी नहीं हुई थी लोहिया साहब की, लोहिया साहब ने शादी नहीं की थी। इस कारण से कुछ लोगों का या कहें कि कुछ विचारकों का मत था कि उनके जीवन में अपूर्णता है, जीवन में अपूर्णता मतलब उनके विचारों में भी अपूर्णता है। लेकिन इस बात का जवाब दिया लोहिया ने, डॉक्टर लोहिया ने, और कहा कि शादी और बच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता को भ्रष्ट कर सकते हैं, कि शादी अर्थात उनका परिवार, शादी और जो बच्चे होते हैं वो उन सार्वजनिक जो कार्यकर्ता है जो समाज के लिए काम करता है उसको भ्रष्ट कर सकते हैं, अर्थात उसको उस कार्यों में बाधा बन सकते हैं। लेकिन लेकिन उनका इशारा इस ओर नहीं था कि वो किसी स्त्री या महिला वर्ग को अपमानित करना हो, बल्कि उन्होंने ये जो भ्रष्ट करने वाली बात कही ये दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लिए कही थी, स्त्री कार्यकर्ता के लिए भी और पुरुष कार्यकर्ता के लिए, ठीक है ना। इसीलिए कह सकते हैं कि उन्होंने महिला वर्ग के प्रति अपमानजनक शब्द नहीं कहे, अपमानजनक धारणा कभी भी नहीं रखी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ महिला महिला मुक्ति के प्रबल समर्थक रहे हैं अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों कुछ बातों के माध्यम से हमने इनके महिला मुक्ति से संबंधित शब्दों को भी देखा, उनसे संबंधित टर्मोलॉजी को देखा। इसके बाद में लोहिया जी ने एक नए समाजवाद का सपना देखा था, एक नए समाजवाद की इस बात की थी, क्योंकि समाजवाद की बात तो कार्ल मार्क्स ने भी की, समाजवाद बात की तो हमारे गांधी जी ने भी की थी। तो मार्क्स और गांधी जी दोनों जब समाजवाद की बात कर रहे हैं तो दोनों में जो विशेष डिफरेंस था उस डिफरेंस के मतलब तो दोनों के बीच से निकल करके इन्होंने एक नए समाजवाद को जन्म दिया। और वो समाजवाद कैसा, जरा आइए उनके ही शब्दों में और उनके विचारों के साथ पढ़ते हैं। लोहिया ने इस बात पर बल दिया कि हमें हिंदुस्तान में जिस समाजवाद की कल्पना को साकार करना है, अर्थात कि हमें हिंदुस्तान में जिस समाजवाद को स्थापित करना है, वह किसी भी रूप में यूरोप जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब यूरोप के समाजवाद जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में हिंदुस्तान में जिस समाजवाद की स्थापना की जा रही है वो समाजवाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बने, भारतीय स्थितियों के या परिस्थितियों के अनुसार बनना चाहिए, ठीक है ना। इन सब के अलावा उन्हीं के शब्दों में उन्होंने स्वयं कहा कि हिंदुस्तान के समाजवाद का अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट देकर खड़ा किया जाए, मतलब ये कि हिंदुस्तान अर्थात भारत में भारत के समाजवाद को, भारत के हिंदुस्तान के समाजवाद को आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों से उसे सशक्त किया जाए समाजवाद को, उसके बाद ही इसे भारतीय संस्कृति में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। किसको, समाजवाद को। अगर भारत में हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो उस समाजवाद में आध्यात्मिकता भी हो उस साथ साथ में भौतिकता भी, ठीक है। क्योंकि हमेशा से एक ही पक्ष रहा है, या तो आध्यात्मिक रहा है तो भौतिक नहीं रहेगा, भौतिक रहेगा तो आध्यात्मिक नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि हमारे समाजवाद में दोनों ही पक्षों का होना जरूरी है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। क्यों, क्योंकि भारतीय संस्कृति हजारों साल पुरानी रही है, इसलिए भारतीय समाज किसी भी प्रकार को से किसी भी एक नए प्रथा को बिना आध्यात्मिकता के ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये यूरोप नहीं है जिसे हम वास्तविकता में हम जो है भौतिकता को स्वीकार कर लेंगे यूरोप की तरह, बल्कि जब तक आध्यात्मिक पक्ष हमारे किसी भी कार्य में नहीं जुड़ा होगा तब तक हम उस कार्य को करने में भी हिचके जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से देखने को मिली है। तो यही नहीं कि फिर से वापस से खिचड़ी पकाई जाए, फिर से कंफ्यूजन हो, फिर से इस प्रकार के विचारों की लेन देन हो, बल्कि एक ऐसा आधार खड़ा किया जाए कि जिससे मनुष्य के इन दोनों तत्वों की सहायता मिल सके। तो सीधी सी बात यही है कि भारत में जिस प्रकार का समाजवाद आए उसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही गुणों का समावेश होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से ये डॉक्टर लोहिया के कुछ इनके विचार थे। इन्हीं विचारों के साथ में हमारा सेशन भी होता है कंप्लीट दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में छोटा सा सेशन, फिर से एक नया सेशन आएगा जिसमें हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों वो भी। देखिए जितने भी विचारकों पर हम यहाँ कंटिन्यूअसली टॉपिक वाइज टॉपिक बात कर रहे हैं ना दोस्तों, बहुत जरूरी है, इसी कारण से कर पा इसी कारण से कर रहे हैं। अगर आप एक दृष्टि यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं YouTube तो एक महासागर है जहां पर ऐसे ऐसे मोती है, ऐसे ऐसे मोती है जहां पर हम जैसे पत्थरों का कोई स्थान नहीं, हम जैसे पत्थरों का कोई स्थान नहीं। वास्तविक रूप से मैं देखिए मैं तो एक बड़ा सा जीरो हूँ, कोई विशेष ज्ञान हमारे अंदर नहीं है,
बस हम तो हमारा पूरा प्रयास करते हैं कि आपको टॉपिक समझ जाए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यूट्यूब एक महासागर है, उसमें एक से एक हीरे मोती छुपे हुए हैं पड़े हैं, लेकिन इस पूरे महासागर को खंगोलोगे ना तब भी दोस्तों एक सिलेबस में, विशेषकर बीए के लिए, एक पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कोई आपके लिए लेकर नहीं आ रहा है, कोई लेकर नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ देखा दोस्तों वहां पर, इसी कारण से देखा। देखिए, मैं किसी की कमियां नहीं गिनवा रहा हूँ, मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा, कई हजारों गुना ज्यादा समझाने वाले, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले, मुझसे लाखों गुना ज्यादा विद्वान विद्वान शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब पर। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, किसी कारणवश वो कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको सेशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसी कमी को दृष्टि में रखते हुए ही मैं जो भी सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, पूरा टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं। और शुरू से ही जब भी मैंने क्लास स्टार्ट की थी, उस वक्त भी मैंने आपसे एक विशेष बात बोली थी, और विशेष बात ये थी, मुझे आज भी याद है, जबकि मैंने इस बात को दोस्तों आज से 1.5 साल पहले बोला था, और एक ही लेक्चर में बोला था, और वो ये बोला था कि आप, अगर आप अपने जीवन में, शिक्षा के इस जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों एक खूंटे से बंध जाइए। एक खूंटे से बंधने का अर्थ क्या हुआ कि किसी एक ऐसे शिक्षक को पकड़ लीजिए जो आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो विशेष करके तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं सिर्फ एक ही शिक्षक से पढ़िए, चाहे वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, ऐसा नहीं कहा मैंने। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, अगर मेरे द्वारा या किसी और कोई टीचर, दूसरे कोई टीचर है, उनसे पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है और वो आपको कंप्लीट दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनको पकड़ लीजिए। हर रोज शिक्षक को बदलिए मत, चेंज मत कीजिए, इससे क्या होगा आपकी मेंटलिटी भी बार बार परिवर्तित होती रहेगी। और एक ही शिक्षक से जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ोगे ना, तो उसमें आपकी बुद्धि भी एक दिशा में काम करेगी, आपका मस्तिष्क एक दिशा में काम करेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर मजबूर कर देगा। और एक शिक्षक आपको आपके कंफर्ट जोन से कब बाहर निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसलिए कि बार बार कहता हूँ कि एक कूटे से बन जाइए, एक कूटे से बन जाइए, है ना, तभी जाकर के आप इस शिक्षा के जगत में, इस विशाल इस दुनिया में आप सफल हो पाएंगे। चलिए, बाकी सब बातें तो दोस्तों होती रहती हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर होगा, है ना, बहुत अच्छा सेशन होगा, वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, बस लाइक और शेयर का ध्यान रखें दोस्तों आप लोग। बस आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, बार बार एक ही बार बोलता हूँ आप लोगों से, जब भी मुझे याद आ जाता है तो बोल देता हूँ, अन्यथा बोलना आदत में नहीं है, इस कारण से नहीं बोल पाता हूँ। जब याद आता है तो बोल देता हूँ यार, चूंकि अब सब आप अपने ही तो हो, है ना, एक लोदा जी परिवार, एक फैमिली की तरह है हमारा पूरा चैनल, जिसमें लगभग अभी जो है 15 साढ़े 15 हजार समथिंग, कुछ मतलब 16 हजार के आसपास सदस्य होने वाले हैं इसमें। ये मेरे लिए तो काफी अच्छा अचीवमेंट है, लगभग अगर इसमें से 1000 लोग भी पूरा सीरियस होकर अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो दोस्तों 10 लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार, बस सीरियस बंदे होना चाहिए, सीरियसनेस के साथ पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट्स वगैरह मैं फिर बताऊँ, नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है ना, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रज्ञान हिंदी जीके का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सब के अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो ही रहे हैं, यहाँ से ले सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और जिस बीए को लेकर अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो लोदाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें जितने लिंक है वह पढ़ जरूर लिया करें, सभी लिंक वहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।